हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी से रिलेटेड न्यूज़। यूपीएससी 2020 में यूपीएससी की तरफ से नई भर्तियां निकली हैं, तो चलिए उनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं यूपीएससी 2020 जो फ्रेश वैकेंसीज हैं वो आप चेक कर सकते हैं। एक सेकेंड, ये आप चेक कर सकते हैं आपकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है upsc.gov.in पे। यहां पे 2020 के हिसाब से पोस्ट निकली हैं। ये पोस्ट जो निकली है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कंबाइंड जीओ साइंटिस्ट एग्जामिनेशन 2020 के लिए निकली है, ठीक है, जिसके लिए आपका एक बार एक एग्ज़ाम होगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो आपका 19 जनवरी को होने वाला है, ठीक है। जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा वही आगे कंबाइंड जीओ साइंटिस्ट मेंस एग्ज़ाम जो कि आगे जाके होगा उसके लिए, पहले आपको वो कंप्यूटर टेस्ट क्वालिफाई करें, फिर आप इस मेंस एग्ज़ाम में जीओ साइंटिस्ट का जो मेन एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आप दे पाएंगे, जिसकी डेट यहाँ पे दी गई है जो कि 27 जून और 28 जून को वो एग्ज़ाम होगा मेंस का एग्ज़ाम। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट निकली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैटेगरी वन है, पहली कैटेगरी वन है जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने तीन पोस्ट हैं, एक जियोलॉजिस्ट जो कि ग्रुप ए की है जिसमें 79 पोस्ट हैं, दूसरा जियो फिजिसिस्ट जो ग्रुप ए की है जिसमें 5 पोस्ट हैं, और एक केमिस्ट की है जिसका ग्रुप ए है जिसका पोस्ट है हमारी 15। तो 15 पर 20, 20 और 18 यहाँ पे 100 पोस्ट के अराउंड यहाँ पे आपकी टोटल पोस्ट आ चुकी है। दूसरा आप चल के देखते हैं दूसरी कैटेगरी, ये ग्रुप कैटेगरी वन थी। आप कैटेगरी टू में देखते हैं, यहाँ पे कैटेगरी टू जो आपकी है वो आपकी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज से। यहाँ पे आपका हाइड्रोजियोलॉजिस्ट की पोस्ट है जो साइंटिस्ट बी है ग्रुप ए में, इसमें सिर्फ 3 पोस्ट हैं, ठीक है। तो टोटल 102 पोस्ट आपके सामने आई है। अब देखते हैं यहाँ पे जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो हमारी अक्टूबर 15, जो कि आप शाम के 6 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको विड्रॉ करने की डेट हमारी 22 अक्टूबर 2019, ये भी आप 6 PM तक निकाल सकते हैं, ठीक है। 22 से लेकर 28 तक कभी भी निकाल सकते हैं एप्लीकेशन। फिर जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जो कि हमने ऊपर बता दिया आपको, वो एग्ज़ाम होगा आपका 19 जनवरी 2020 को, ठीक है। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं। नीचे आपका बताया गया है कि सभी की यहाँ पे क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी वगैरह, ये आप एक बार यहाँ पे पूरी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके लिए ग्रुप ए जो जियोलॉजिस्ट का, उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए जियोलॉजिकल साइंस में। उसके बाद ये कौन कौन से हैं वो आप खुद देख सकते हो, क्योंकि इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। दूसरा जो जियो फिजिसिस्ट है, इसमें भी आपको MSc इन फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स ऑफ MSc जियो फिजिक्स के अंदर, या इंटीग्रेटेड MSc एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए, और MSc अप्लाइड जियो फिजिक्स में होनी चाहिए, या MSc किस में चाहिए मैराइन जियो फिजिक्स, या MSc में, सारे मास्टर डिग्रीज वालों के लिए ये पोस्ट। तीसरा जो हमारे केमिस्ट वाला है वो हमारा है MSc इन केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री, ये भी MSc होल्डर्स के लिए सारी पोस्ट, ठीक है। उसके बाद जो हमारी सेकेंड कैटेगरी थी जियो हाइड्रोलॉजिस्ट के लिए, जूनियर हाइड्रोलॉजिस्ट के लिए, वो सेंट्रल बोर्ड वाटर बोर्ड की तरफ से, वो भी मास्टर डिग्री जियोलॉजी में, या अप्लाइड जियोलॉजी या मैराइन जियोलॉजी, जो कि सारी की सारी किसके लिए, मास्टर डिग्रीज के लिए, ये भी मास्टर डिग्री इन हाइड्रोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो आपकी एज लिमिट होगी वो आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए, मिनिमम 21 ईयर्स, एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 32। 32 एक जनवरी से पहले पहले आपकी एज, एक जनवरी को आपकी एज 32 से कम होनी चाहिए, ठीक है, 21 से अबव एंड 32 से लेस। उसके बाद जो आपके सेंटर्स हैं वो टोटल यहाँ पे 19 सेंटर्स आपके सामने आ रहे हैं, टोटल 19 सेंटर्स जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, अहमदाबाद, बेंगलोर, ऑल ओवर इंडिया ये, तो अहमदाबाद है, बेंगलोर है, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, दिल्ली, दिसपुर, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, इलाहाबाद, और फिर शिलोंग, शिमला और तिरुवनंतपुरम, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टेज वन का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर स्टेज टू का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर स्टेज थ्री में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। पहले आपका स्टेज वन का टेस्ट जो आपका कंप्यूटर टेस्ट, स्टेज टू का टेस्ट जो आपका मेंस का टेस्ट, और स्टेज थ्री आपका पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू उसमें शामिल होगा। उसके बाद कैसे अप्लाई करना वो आप अपने उस पर वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट पर जाके upsc.onlinenic.in पे, वहाँ पे आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी एंड डिटेल्स हैं वो आप वहाँ पे अपलोड कर दीजिए, और ये एप्लीकेशन जो है ये आपको फिल करनी है 15 अक्टूबर को 6 बजे शाम को 6 बजे से पहले पहले आपको फिल करनी है,
ताकि आप इसके लिए अप्लाई कर सकें और फिर आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो सके। तो चलिए इसके लिए हम बाद में बात करते हैं आपसे। इस आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना ताकि वो भी इस अप्लाई कर सकें इस जॉब के लिए। थैंक यू एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए गाइस। थैंक यू, सब्सक्राइब।